होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से भव समुद्र के भी दो तट हैं। जीवात्मा जिस तट पर खड़ा है वो जन्म वाला तट है। जन्म वाला तट तो प्रत्येक जीवात्मा को दिखाई देता है लेकिन दूसरा मृत्यु वाला तट है जो होता जरूर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो जन्म वाले तट पर हम चूंकि खड़े हुए हैं इसलिए जन्म वाला तट हमें दिखाई देता है। आपने एक विशेषता देखी होगी समुद्र की, क्या? समुद्र का जल देखने में बहुत सुंदर लगता है। लगता है कि नहीं? देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, ये लगता है देखते रहो। अच्छा, कभी कभी उसमें तरंगें उठती हैं, बहुत ऊंचे तक चली जाती हैं वो तरंगें, फिर कुछ समय बाद नीचे आ जाती हैं वो तरंगें, आती हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीवात्मा के जीवन में भी समस्याओं की तरंगें उठती हैं कि नहीं उठती हैं, बोलो। अरे भाई, कभी कभी तो विकास की इतनी बड़ी तरंग उतनी ऊंची उठ जाती है विकास की तरंग कि कहते हो इतनी ऊंची और फिर कुछ समय बाद फिर नीचे। कहे क्या है? बोले नोटबंदी। अब क्या करें? क्यों भाई, बोलो। 2000 का नोट कोई लेने को तैयार नहीं, वो कहता है कि हमारे पास फुटकर नहीं, और 500 का अभी अभी निकला है वो भी पर्याप्त नहीं। समस्या ही समस्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विकास की लहर उठती है जीवन में, कुछ समय बाद फिर वही विकास बिल्कुल धरती पर आ जाता है। देखने में लगता है कि हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत हमारी व्यर्थ हो गई, निरर्थक हो गई, क्योंकि देख रहे थे हम कि इतना विकास हमने किया लेकिन देखते 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 वो विकास पता नहीं कहां चला गया। फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर वो तरंग विकास की उठने लगती है, फिर समय पर नीचे आ जाती है, फिर उठ जाती है। बोलो, उन्नति और अवनति का क्रम चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? चलता रहता है। समुद्र की यही स्थिति है और यही भव समुद्र की स्थिति है। हम दोनों का मिलान कर रहे हैं। ये कथा का महत्व, कथा क्यों सुननी चाहिए, इस महत्व को हम आपको सुना रहे हैं और आपको सुनकर के आनंद होगा, मिलेगा, और आनंद इतना मिलेगा कि कल तो जो नहीं आए हैं वो भी चले आएंगे, है ना? हमें विश्वास है। इसलिए समझने की कोशिश करना, जल देखने में बहुत अच्छा लगता है, बोलो लगता है कि लगता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, समुद्र देखने में अच्छा लगता है, समुद्र का जल भी अच्छा लगता है, लेकिन कब तक अच्छा लगता है? जब तक हम उसका स्वाद नहीं लेते तब। अगर खड़े खड़े हम एक अंजलि जल लेकर के पी जाएं तो बोलो समुद्र से घृणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी घृणा कि नहीं? ऐसे ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार, आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, व्यक्ति बार बार इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को, ये आवागमन चलता रहता है। बोलो चलता रहता है कि नहीं? लेकिन जब जीव आता है इस संसार में तो उसे संसार अच्छा लगता देखने में, बोलो लगता कि नहीं? तरंगें भी उसे देखने में अच्छी लगती हैं। जन्म वाले तट पर खड़ा खड़ा वो देखता रहता है संसार को, लेकिन प्यारे ये संसार तभी तक अच्छा लगता है जब तक तुम इसे देख रहे हो। जिस दिन तुम इस संसार का स्वाद ले लोगे उस दिन संसार से तुम्हें घृणा हो जाएगी प्यारे, फिर तुम दोबारा आने का मन नहीं करोगे। बोलो यही स्थिति है कि नहीं? दोबारा आने का मन नहीं करोगे, यही कहोगे कि हे भगवान आप जल्दी ले जाओ इसे,
इस संसार से मुझे जल्दी ले जाओ, क्योंकि इसमें खारापन है। इसमें क्या है प्यारे, जल्दी बोलो, खारापन। लेकिन हमारे इस जीवन के खारापन को कोई स्वीकार कर सकता है क्या? समुद्र के पानी को कोई स्वीकार करता है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समुद्र ही बादलों को पानी देता है? बोलो, देता है कि नहीं देता है? समुद्र ही बादलों को पानी देता है, और बादल फिर धरती पर पानी भेजते हैं, और धरती का पानी फिर किसानों को सुख समृद्धि प्रदान करता है। बोलो, करता कि नहीं? धमतरी में सबसे ज्यादा राइस मिल है, बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा राइस मिल यदि है तो धमतरी में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राइस मिल किसके लिए है? हमारी समझ में धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। धान किससे संबंधित है? बोले, किसान से संबंधित है। किसान किससे संबंधित है? बोले, खेत खलियान से संबंधित है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, राइस मिल धान से संबंधित है, धान से किसान भी संबंधित है, धरती से संबंधित है धान और किसान। लेकिन किसान भी हो, राइस मिल भी हो और धरती भी हो, लेकिन पानी ना बरसे तो धान कहां से आ जाएगी? बोलो भाई, अगर पानी ना बरसे तो धान आ सकती है क्या? तुम चाहे जितना बो दो खेत में धान, लेकिन पानी नहीं बरसेगा तो आपको पर्याप्त धान मिल नहीं सकती है। इसलिए पर्याप्त धान किससे मिलती है? पानी से। अच्छा भाई, एक बात बताओ, पानी कौन बरसाता है? नरेंद्र मोदी कि रमन सिंह बरसाते हैं? बोलो भाई, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी भी भगवान से प्रार्थना करेंगे पानी के लिए, रमन सिंह भी भगवान से प्रार्थना करेंगे पानी के लिए। अगर पानी नहीं बरसेगा तो बोलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नहीं? तो भगवान किसको आदेश देंगे? समुद्र को, कि जल्दी पानी भेजो, पानी भेजो। समुद्र कहता है, ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं भेज दूंगा। किसानों ने फिर भगवान से प्रार्थना की, सरकार पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। भगवान ने बादलों से कहा, क्यों तुमने पानी क्यों नहीं बरसाया? बादल बोले, हम आए तो थे लेकिन समुद्र ने पानी दिया ही नहीं तो हम बरसाए क्या? अगर समुद्र पानी दे देता तो हम बरस। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, बादल आए 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 आए, बरसने वाले चले गए। अब बादलों से कहा, तुम आए क्यों थे? वो आए थे तो बरसे क्यों नहीं? बादल बोले, बरसने को आए थे लेकिन समुद्र ने पानी दिए नहीं तो क्या करते रह के चले गए। अगर समुद्र पानी दे देता तो हम बरस जाते। भगवान ने समुद्र से कहा, क्यों तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? तुमने पानी क्यों नहीं दिया बादलों को? समुद्र बोला, हम देने को तो तैयार थे लेकिन मानसून नहीं आया। क्या नहीं आया? तो समुद्र बादलों को पानी तब देता है जब मानसून बनता है। बोलो, और मानसून अगर नहीं बनेगा तो फिर क्या बादलों को पानी दे सकता है समुद्र? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बादल जब पानी बरसाते हैं वो पानी खारा होता है कि मीठा होता है? बोलो, मीठा होता है वो पानी। समुद्र बादलों के पास पानी था नहीं, समुद्र का पानी मीठा है नहीं, और जब बादलों ने पानी समुद्र से लिया और आपको दिया तो मीठा दिया। आखिर ये फिल्टर किसने किया? बोलो भाई, जब पानी जो है खारा था, मीठा था ही नहीं, एक बूंद नहीं पी सकते थे, और अगर एक गिलास समुद्र का पानी पी लोगे तो तुरंत ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि नहीं? और अगर तुमने कहीं एक लोटा दो लोटा पानी पी लिया तो सीधे कोमा में चले जाओगे, ये कंडीशन हो जाएगी। लेकिन ये मीठा कहां से हुआ? याद रखना, हमारी जिंदगी में खारापन है प्यारे।
लेकिन हमारी इस खारेपन की जिंदगी को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, ना तो जीवात्मा ना परमात्मा। तो प्यारे इसमें मिठास कैसे आएगी? तो मैं कहता हूं समुद्र के पानी में खारापन है, बादलों को मीठा पानी मिला, लेकिन समुद्र के इस खारे पानी को मिठास में किसने बदला है? बोले मिठास अगर दी है तो वो मानसून ने दी है। अगर मानव के जीवन में आज खारापन है, ईर्ष्या का खारापन, उदासीनता का खारापन, दंभ का खारापन, बोलो मान प्रतिष्ठा का खारापन, यदि ये उसके जीवन में है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस खारेपन को परमात्मा कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं इसको ना तो महात्मा स्वीकार कर सकता है। मिठास जब तक नहीं आएगी तब तक ना महात्मा स्वीकार करेगा ना परमात्मा स्वीकार करेगा। तो मिठास कैसे आएगी इस मानव के जीवन में जो विचारों का खारापन है? इसमें मिठास तभी आएगी प्यारे जब मानव का जीवन मानसूनता से जुड़ जाएगा, निराभिमानता से जुड़ जाएगा, तो इसमें मिठास आ जाएगी। इसलिए निराभिमानी बनो, निराभिमानता जीवन में आ जाएगी तो हमारा खारापन दूर हो जाएगा, हमारे अंदर मिठास आ जाएगी, और जब मिठास आएगी तो निश्चित है कि परमात्मा भी स्वीकार करेगा और महात्मा भी स्वीकार करेगा। अब आप देखें कि समुद्र के किनारे हम खड़े हैं, भव समुद्र के, भव समुद्र के किनारे खड़े हैं, अब पार कैसे जाएं? तो समुद्र को पार करने के लिए नाव से काम नहीं चलेगा, समुद्र को पार करने के लिए किससे काम चलेगा? जहाज से। सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। अभी 5-10 मिनट और रुको, इतनी जल्दी मत जाओ, घर में जाके क्या करोगी, है ना? इतने जल्दी तुम घर में जा रही हो तो 10-5 मिनट के बाद फिर, क्योंकि कल तो कथा 5:30 बजे तक चलेगी। अभी अब वो जाने वाली है तो जाने दो उनको, फिर कल आ जाएंगी लौट के, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी चली जाएंगी तो कल आ जाएंगी। लेकिन 10 मिनट अभी, 5 मिनट केवल मैं बोलूँगा, 7 मिनट, इसके बाद फिर कल समय से। हम जान रहे हैं कि 1:30 बजे से 2 बजे से शोभा यात्रा चल रही है, और शोभा यात्रा में सबसे ज़्यादा सहयोग माताओं ने किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? सबसे ज्यादा सहयोग माताओं ने किया है। अरे हम तो एक सिंहासन पर बैठे थे, बोलो छाया भी थी और बीच बीच में जल भी मिल रहा था पीने को, लेकिन माताएं कलश रखे थी, भ्रमण कर रही थी, पैदल चल रही थी और कई किलोमीटर तक पैदल चली, इसलिए इन्होंने बहुत साथ दिया है। अब थोड़ा सा ये घर द्वार को भी देखना समझना पड़ेगा, इसलिए मैं इस बात से किसी भी प्रकार से कहीं कोई खिन्नता महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा संकेत ले, वो बैठ गई, वो वहीं बैठ गई। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अंधकार था वहां प्रकाश है ना, इसलिए जो है प्रकाश की वजह से वो बैठ गई। देखो यही तो मैं कहता हूं कि हमने कहा और हमारी मान गई। ये हैं छत्तीसगढ़ की देवियां। अभी हम बिहार में गए थे कथा कहने के लिए, बिहार में कुछ देवियां जाने लगी, मैंने कहा हमारी सुन के जाओ, उन्होंने कहा हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनी। बोलो भाई, मैंने कहा ये बिहार का प्रभाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ की देवियां वास्तव में धन्य है, महात्माओं की सुनती है, महात्माओं की सुनती है, इसलिए छत्तीसगढ़ की देवियां धन्य है, और इतनी धन्य है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने कौशल्या माता को जन्म दिया, और कौशल्या माता ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना करके अपनी गोद में खिलाया। बोलो छत्तीसगढ़ की ही देवी थी कि नहीं थी? ये छत्तीसगढ़ का प्रभाव है, इसलिए कौशल्या हो, कौशल्या का स्वरूप है तुम्हारे अंदर, कौशल्या की भक्ति विद्यमान है, इसलिए मैं बहुत ही छत्तीसगढ़ की जनता से प्रभावित रहता हूं। धमतरी में पहली बार आया हूं, लेकिन पहली बार आकर के मैं ये एहसास कर रहा हूं कि मैं कई बार आया हूं, ऐसा अनुभव कर रहा हूं, कई बार आया हूं, क्योंकि इतनी आत्मीयता जुड़ गई है, इतना ममत्व आपसे हो गया है, इतना स्नेहत्व आपसे हो गया है,
कि मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार आया हूं। बार बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कई बार आया हूं। ऐसे आत्मीय संबंध यहाँ की जनता से, यहाँ के भक्तों से, यहाँ की श्रद्धालु जनता से, भावुक जनता से हो गए हैं, क्योंकि संत महात्माओं से आप सदा जुड़े हुए हैं। तो चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा जल्दी बताओ। हाँ ठीक ठीक ठीक, हम भूले उले नहीं थे, लेकिन हमको थोड़े परीक्षा ले रहे थे कि सुन भी रहे हो कि खाली वैसे बैठे हो, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल विश्वास कर लिया है कि तुम बिल्कुल सुन रहे हो और बहुत ही सावधानी से सुन रहे हो और सतर्क होकर सुन रहे हो, हमें प्रसन्नता हो गई है। तो आओ सुनो, 5 मिनट की बात है, इसके बाद वाणी को विश्राम। जहाज जहाज राम कथा ने दिया है। जहाज का प्रमाण क्या है रामचरितमानस में? गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तों ने कहा महाराज भव समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप कृपा करके तुलसीदास जी महाराज से कहा कि पार जाने के लिए साधन दो। तो तुलसीदास जी ने कहा, आ गए हो भव समुद्र के किनारे खड़े हो, तो भव समुद्र को पार करने के लिए नाव से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा? जहाज से। तो जहाज दिया, कौन सा जहाज है पढ़ो रामचरितमानस। बंदहु चारौ बेद भव बारिधि बोहित सरसों। यह है रामचरितमानस का जहाज, चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ के पार जाओ, ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा। भक्तों यदि भव समुद्र के किनारे खड़े हो तो हम चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान का जहाज लाए हैं, उसमें बैठ के पार जाओ। भक्तों ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में हम नहीं बैठ सकते, सरल नहीं है बैठना, बड़ा कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, जो जहाज की यात्रा करते हैं वो बड़ी सरलता से नहीं कर पाते हैं प्यारे? बड़ी जांचें होती हैं उसमें, होती कि नहीं होती? और नाव में बैठ के जो पार करते, कोई जांच नहीं, बैठो पेमेंट दो, ना तो तुमको आईडी प्रूफ दिखाना है। क्यों भाई, केवट को दिखाते हो क्या? वो तो लेता है, जल्दी बोलो, वो कहता बैठो बैठो बैठो, 10 रुपया लूंगा, पार कर दूंगा, है ना तुरंत। लेकिन नाव जहाज में बैठोगे तो चाहे आप जल की यात्रा कर रहे हो, चाहे आप आकाश की यात्रा कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ बहुत सारे नियम हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? घंटों इंतजार करना पड़ता है, घंटों जांचें होती हैं, तब बड़ी मुश्किल में। हाँ सावधान। लेकिन नाव एक ऐसी होती है प्यारे कि केवट से संपर्क करो और केवट कहता है बैठिए, हम आपको अभी पार करते हैं। भक्तों ने कहा क्षमा करो, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ के पार हो जाएं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप संत हैं, इसी रामचरितमानस में आप हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं। का क्या कहे? आप जो है जहाज की वजह, जहाज की जगह कोई दूसरा साधन नहीं दे सकते? तुलसीदास जी ने कहा तो हमें जलाशय को छोटा करना पड़ेगा। जैसे आप अगर समुद्र में नाव डाल दें तो डूबेगी, खतरा पैदा होगा, अगर आप समुद्र को छोटा करके नदी में नाव डाल दें तो बोलो नदी से नाव पार करा सकती है कि नहीं? नदी को तो पार करा ही देगी नाव। तो भक्तों ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोग इस ज्ञान के जहाज में कैसे बैठें, इसलिए जहाज को छोटा करिए। तुलसीदास जी ने कहा तो समुद्र को छोटा करना पड़ेगा, तो आप सामर्थ्यवान संत हैं, कृपा करिए समुद्र ही को छोटा कर दीजिए। तो याद रखना, समुद्र को कैसे छोटा किया? पहले ये समुद्र है, अब भव समुद्र को भगवान की कृपा से तुलसीदास जी ने छोटा किया, क्योंकि आपको पार कराना है ना, तो समुद्र से छोटी होती है सरिता। बोले समुद्र से छोटी क्या होती है? सरिता। सरिता मानी नदी, नदी मानी महानदी, ठीक है ना, महानदी किनारे होगा। तुलसीदास जी बोले
निज सर देह मोह भ्रम हरनी ओ करहूं कथा भव सरिता तरनी। अब ये समुद्र सरिता बन गया है। तुलसीदास जी ने कहा कि सरिता में भव सरिता में अब हम तुमको एक नाव दे रहे हैं, बस इसी नाव में बैठ करके पार जाओ। कौन सी नाव है? बोले भव सागर चहि पार जु पावा तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम जी की कथा नाव है, इसलिए हम भव समुद्र को भव सरिता बना रहे हैं और भव सरिता को पार करने के लिए राम कथा रूपी नाव दे रहे हैं। तो ये राम कथा क्या है जल्दी बोलो? नाव है। अब इसमें बैठ के पार जाओ, राम कथा रूपी नाव में बैठ के। तो भक्तों ने कहा फिर राम कथा रूपी नाव में बैठे? तुलसीदास जी ने कहा राम कथा रूपी नाव में बैठने बैठ सकते हो, पार हम कर देंगे, लेकिन विश्वास है तुम्हें हमारे ऊपर? तब तक कुछ भक्तों ने कहा महाराज एक प्रार्थना आपसे है। क्या प्रार्थना? जैसे आपने जहाज को बनाया नाव और समुद्र को बनाया नदी सरिता, तो हमें विश्वास है कि आप नदी को भी छोटा कर सकते हो, नदी को। तो तुलसीदास जी ने कहा नदी से छोटा क्या होता है? कहे महाराज नदी से छोटा होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। तुलसीदास जी ने कहा चलो तालाब बनाए देते हैं। मन कर विषय तालाब को सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं तालाब को? सरोवर। मन कर विषय अनल बन जरई और हो ये सुखी जो यही सर परई, हो ये सुखी जो यही सर परई। तुलसीदास जी ने कहा अब ये सरिता से भव समुद्र क्या बन गया? भव सरिता से बन गया। अब ये भव सरोवर, सरोवर मानी तालाब। अब बोले तालाब को पार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो नाव की भी जरूरत नहीं है। एक छोटा बेड़ो होता है, बेड़ो अब यहाँ जो भी बोलते हो, तालाबों में डाला जाता है, उसमें लोग ये सिंगाड़े वंगाड़े डालते हैं ना, वो जो केवट लोग सिंगाड़ा क्या बोलते हैं, सिंगाड़ा ही बोलते हैं, डोंगी, यहाँ डोंगी बोलते हैं, डोंगी 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 डोंगी, ठीक ठीक ठीक। हाँ अब तो हमें छत्तीसगढ़ी भाषा समझने के लिए ट्यूशन लगवानी पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं? डोंगी। तालाब को पार करने में डोंगी सहायता कर देती है, कर देती कि नहीं? नाव की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अब तो तालाब को पार कर सकते हो। धमतरी के भक्तों ने तो बड़ा अच्छा माध्यम चुन लिया, तुलसीदास जी महाराज जैसे संत को पकड़ लिया। धमतरी के श्रद्धालु भक्तों ने सोचा, आपस में सलाह की, जब ये महात्मा समुद्र को सरिता बना सकता है नदी और नदी को तालाब बना सकता है, तो ये महात्मा तालाब को भी छोटा कर सकता है। इसमें बड़ी ताकत है महात्मा में। पैर पकड़ लिए भक्तों ने तुलसीदास जी महाराज, कहा महाराज आपने बड़ी कृपा की है, समुद्र को बनाया सरिता नदी और नदी को बनाया आपने तालाब सरोवर, अब विश्वास है कि आप सरोवर को भी छोटा कर सकते हो। तुलसीदास जी बोले सरोवर से छोटा क्या होता है? धमतरी के भक्तों ने कहा कुआं, कुआ कूप है ना, कूप ही कहते हैं, बोलो बोलो, कुआं कुआं तो हम पहले ही बोले थे, कुआं तो हम पहले, कुआं आप इसको कुआं, कुआं मानी होता है कूप और कूप मानी होता है कुआं। तुलसीदास जी ने कहा चिंता मत करो, उदास मत हो,
अब शरण में आ गए हो तो हम तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। तुलसीदास जी ने उस भव समुद्र को घटाते 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 कुआं कर दिया। कैसे? यही चरित जो गावही हरि पद पावही तेल परही भव कूपा।